नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम चर्चा करेंगे जंगपुरा के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा, जिसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से गिने जाते हैं और अभी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से वार्ड 40 के अध्यक्ष बने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई साहब, जब चुनाव में आप घूम रहे थे, चाहे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हो या विधानसभा का चुनाव हो, आपकी जो छवि रही है और जिस तरह से दिल्ली वासियों में, दिल्ली के रह रहे लोगों में आपका नाम है, क्या कुछ परिवर्तन देखने को इस बार मिलेगा आपके नेतृत्व में 40 वार्ड को, साथ ही साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी? ऐसे है कि हम सेवा भावना की से चलते, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। उसी करके सब लोग, आज भी चाहे विधायक हैं ना हैं, लेकिन हम जहाँ पर जाते हैं लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने लोगों के काम किए हैं, लोगों की सेवा की है, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, तो इसी को लोग याद रखते हैं और इसी करके लोग आज भी वही सम्मान देते हैं जब MLA थे। आज जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ है, उसमें भी भारी मतों से जीत हुई है और इंडिपेंडेंट हम हमेशा इसे लड़ रहे हैं। दिल्ली केंद्रीय गुरु सिंह सभा के नेतृत्व करते हैं, अध्यक्ष हैं उसके, तो लोगों की सेवा करोगे, लोग अपने आप जुड़ेंगे। चुनाव तो लोग बहकावे में कई बार आ जाते हैं, बहुत बहकावे में आ जाते हैं, जैसे केजरीवाल के बहकावे में आके लोगों ने अपने आप को, आज ही पता लगा, एक का फोन आया जनता कैंप से, मेरा 6,000 का बिल आया। कई सारी परेशानी है, बिजली माफ और पानी हाफ की जो बात की गई थी उसके बिल में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तो जनरल समस्याएं हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो इस विधानसभा की है वो पार्किंग को लेकर है। आपका भी नेतृत्व मिला है, प्रवीण कुमार विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, कोई चहल पहल अभी नहीं दिख रही है क्षेत्र में। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की जनता की जो ये मूलभूत समस्याएं हैं उनकी पूर्ति के लिए दिल्ली सरकार क्या करे? 7 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में, जैसा छोड़ के गया था आज वैसा ही है। आप देख लो गलियों में जाके, आप सड़कों की बात करो, आप जो पानी की समस्या थी, हमने अपने टाइम सारी पानी की समस्या दूर कर दी। हमने उसके बाद बिजली की समस्या, नहीं तो यही क्षेत्र था कि 24-24 घंटे में से 18-18 घंटे बिजली जाती थी, लेकिन हमने जगह जगह ट्रांसफार्मर लगाए, जगह जगह पानी की लाइनें बिछाए, नहीं तो इस पूरे एरिया में टैंकर आते थे, चाहे वो सलैर कॉलोनी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, हरिनगर आश्रम हो, शालीमार सिनेमा हो, हर जगह टिंकर आते थे। बस अब काफ़ी बदलाव आप बता रहे हैं कि बहुत बदला आपके कार्यकाल में। आने वाले समय में, चूंकि दिल्ली में पहले तो नगर निगम चुनाव है और उसके बाद फिर तैयारी होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की, लेकिन इस बीच एक खबर है और मैं चाहता हूं आप इसकी पुष्टि करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मारवा जी अब दिल्ली की राजनीति को समाप्त करने जा रहे हैं और उत्तराखंड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात? देखो, पार्टी का काम हर जगह जाके करना चाहिए, हर कार्यकर्ता का फर्ज भी है। मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते हर जगह जाके, जहाँ पर भी सेवा होती है मैं करता हूँ। अभी वहाँ चुनाव आ रहे हैं तो उसके लिए लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ से जिताएं। दिल्ली में जब चुनाव आएंगे कॉरपोरेशन में, तो यहाँ पर अपने तीनों कैंडिडेटों को भारी मतों से जिताएंगे। तो हमारी बात हो रही थी जंगपुरा विधानसभा के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा जी से, जो वार्ड 40 दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अभी अध्यक्ष हैं और इनका मानना है कि काफ़ी बदलाव इनके नेतृत्व में इस विधानसभा को मिला है, लेकिन अभी चूंकि सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथों में गई है तो कई सारे झूठे वादे करके जनता से वोट लेने का काम तो कर लिया गया, लेकिन इस बार चाहे नगर निगम का चुनाव हो या आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव हो, उसमें कांग्रेस की नेतृत्व में फिर से तेज़ रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है और लगातार ये प्रयासरत है, आम जनता से मिलना जुलना इनका जारी है। साथ ही साथ जो खबरें थी उनको भी इन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है कि चाहे पार्टी जहां से नेतृत्व का मौका दे, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। हो सकता है उत्तराखंड चुनाव में भी तरविंदर सिंह मारवा कांग्रेस के एक चेहरा हो। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।